स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर में पैसिव वॉइस। आज हम लोग देखेंगे दूसरा टेंस है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। ठीक, मान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, तो कैसे उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर पढ़े बना लेते हैं इसका, आप जीत लेंगे। प्रोनाउन का नाम है ठीक है, प्लस इज एमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब था प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। प्रोनाउन का नाम ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। मतलब ऑब्जेक्ट हम पढ़े लेंगे जो मुख्य क्रिया के बाद आती है, ऑब्जेक्ट अगर नाउन है तो उसी तरीके से रखेंगे, प्रोनाउन होगा तो उसका नाम लिखेंगे। फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है तो इज, आई आता है तो आई एम, और प्लूरल है तो आर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब भी कोई कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है अगर उसको हम पैसिव में बदलते हैं तो बीइंग का प्रयोग करने के बाद आई की क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक, फिर बाई का प्रयोग करेंगे और फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे जो कि वाक्य में पहले होगा। सब्जेक्ट अगर आएगा नाउन होगा तो उसी तरीके से प्रोनाउन होगा तो उसका ओसी ऑब्जेक्टिव केस। जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ लेटर, आप उसको रख देंगे नाउन है तो उसी तरीके से लेटर। ठीक, ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर आएगी, इज का प्रयोग कर देंगे। कंटीन्यूअस टेंस को आते हैं, बीइंग का प्रयोग करके, ये आपका वर्ब है राइटिंग, इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा रिटेन रिटेन। फिर हम वाई का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है राम, तो नाम है सब्जेक्ट, उसी तरीके से होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर मेकिंग ऑन वॉयज इन द क्लास। ठीक, वी आर मेकिंग ऑन वॉयज इन द क्लास। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट में हमेशा याद रखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद आती है, ऑन वॉयज नाउन है उसी तरीके से लिखेंगे ऑन वॉइस। ठीक, नॉइज आपका सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर, इज का प्रयोग कर देंगे। अब हम क्या लगा देंगे, बीइंग, ये आपका वर्ब है, इसको हम थर्ड फॉर्म में कर देंगे मेड, ऑन वॉइस इन बीइंग नॉ बीइंग मेड। चाहे तो जो चीज़ें शेष है इसको ही भी जोड़ दें, इन द क्लास, फिर वाई सब्जेक्ट क्या है आपका, वी है प्रोनाउन है जिसका ऑब्जेक्ट केस अस, ऐसे बना दें या तो दूसरा में खड़ा बना लें, और नॉइज इज बीइंग मेड, बाई एस का प्रयोग पहले कर सकते हैं, बाई अस इन द क्लास। ठीक है, सर एग्जाम्पल हम लेते हैं, द टीचर इज teaching us in the class। ठीक है, ये आपका वाक्य है, the teacher is teaching us in the class। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, us है, ये प्रोनाउन है तो इसका नाम ठीक है वी, वी प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल होगी, आर का प्रयोग कर देंगे। कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हम क्या लगाएंगे, being, we are being, और फिर ये आपका वर्ब है, इसको थर्ड फॉर्म में लेंगे taught, we are being taught। ठीक, फिर चाहे किसको लिख दिया ऐसे, इन द क्लास का प्रयोग करके, फिर बाई सब्जेक्ट है आपका द टीचर, ऐसे रख दें या तो दूसरा मेथड अपना लें, फिर वी आर बीइंग, सारी चीजें उसी तरीके से रहेंगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब रख देंगे, बीइंग टॉट, फिर by the
इंग्लिश लिया। दूसरा एग्जांपल, माय मदर इज वॉशिंग माय क्लॉथ्स, माय मदर इज वॉशिंग माय क्लॉथ्स, मतलब मेरी माँ मेरे कपड़े धो रही है। तो क्या धो रही है? मेरे कपड़े। ये प्रोनाउन पार्टिसिपल्स, नाउन आपका है क्लॉथ्स, तो दोनों के एक साथ लेंगे, माय क्लॉथ्स हो गया। अब क्लॉथ्स आपका प्लूरल है, जो नाउन होगा आपका जैसे प्रोनाउन के साथ उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रोनाउन का क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्लॉथ्स आपका प्लूरल है, यहाँ पे आर का प्रयोग कर देंगे, फिर कंटीन्यूअस टेंस से टू बीइंग लगाकर ये आपका वर्ब है, इसको आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, वॉश्ड हो जाएगा, माय क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड। फिर हम वाई का प्रयोग कर देंगे, सब्जेक्ट आपका क्या है? माय मदर, ये प्रोनाउन का जैसे केस नाउन दिया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल, इसमें दे आर प्लेइंग द मैच, दे आर प्लेइंग द मैच, ऑब्जेक्ट क्या है? द मैच, ए आपका सिंगुलर है तो क्रिया में सिंगुलर इसका प्रयोग कर देंगे, कंटिन्यूअस टेंस का कि हम बीइंग लगा देंगे, ए आपका वर्ब है तो इसको थर्ड फॉर्म बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेड, द मैच इज बीइंग प्लेड। फिर हम वाई का प्रयोग करेंगे, आई इज सब्जेक्ट, में सब्जेक्ट क्या है? दे, इसका ऑब्जेक्ट किस देंगे? प्रोनाउन है तो क्या हो जाएगा? देम, द मैच इज बीइंग प्लेड बाई देम, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे इस सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस, मान लेते हैं कि वाक्य नेगेटिव है तो कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर इसका हम लोग बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का नॉर्मेटिव केस, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इसे वाक्य का उपयोग करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में तो नाट लगा देंगे, नाट का प्रयोग करके हम बीइंग रखेंगे, क्रिया है कर पाएंगे बाई प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन होने से ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, मतलब जो निगेटिव सेंटेंस होगा तो सारी चीजें उसी तरीके से होंगी, क्या हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में क्या जगह देंगे? नाट, ऑब्जेक्ट रखेंगे, प्रोनाउन होगा नॉर्मेटिव केस, नाउन होगा उसी तरीके से, ऑब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया इज एंड आर का प्रयोग हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में भी नॉट लगाकर कंटीन्यूअस टेंस का जब भी वाक्य होगा हम बीइंग का प्रयोग करके वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, फिर हम वाई का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे, प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्ट के केस, जैसे यू आर नॉट writing a letter, you are not writing a letter, तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है? a letter, इसका प्रयोग कर देंगे, सिंगुलर है आपका, ठीक। अब हम किसका प्रयोग करेंगे? निगेटिव सेंटेंस से नाट लगा देंगे, फिर बीइंग जोड़ देंगे, फिर क्रिया जाएगी थर्ड फॉर्म में, राइट रोटे रिटर्न होता है, a letter is not being written, फिर हम by का प्रयोग करके सब्जेक्ट पास आएंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका? यू, इसका नॉर्मेटिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, सी इज नॉट हेल्पिंग अस, सी इज नॉट हेल्पिंग अस, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट है आपका अस, ये प्रोनाउन है, वी हो जाएगा, प्लूरल है तो आर का प्रयोग कर देंगे, फिर नॉट लगा देंगे, फिर हम बीइंग का प्रयोग करके ये आपका वर्ब है इसको हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, ठीक, वी आर नॉट बीइंग हेल्प्ड। फिर हम वाई का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट जो वाक्य में पहले आता है ये प्रोनाउन है सी है, क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा आपका, वी आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई हर, ठीक।
नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल मोहन इज नॉट वर्किंग हार्ड। कभी कभी कुछ इस तरीके से एग्जांपल दे देता है, बताया था मैंने टेंथ में मोहन इज नॉट वर्किंग हार्ड, मोहन कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है। तो क्या नहीं कर रहा है? कठिन परिश्रम, कठिन कार्य, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो कभी कभी होता है क्या है, जो मुख्य क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया ही में ऑब्जेक्ट छिपा होता है। मोहन इज नॉट वर्किंग हार्ड, काम नहीं कर रहा, कैसा कठिन काम नहीं कर रहा, कठिन मेहनत नहीं कर रहा है। तो मेहनत कैसा है? कठिन है। तो कठिन मेहनत नहीं कर रहा है तो कठिन क्या है? मेहनत कार्य। तो अब क्या करेंगे, जब कभी कभी क्रिया में ही ऑब्जेक्ट छिपा होता है तो उस क्रिया को नाउन में बदल देते हैं। जैसे वर्क मीन्स काम करना, तो वर्क को नाउन में बदल देंगे तो वर्क मतलब केवल काम। फिर क्या करेंगे, वो जो काम जैसा होगा, जिस जो विशेषता बता रहे उस काम की, वो तो आई हर जेट उसके पहले लिखेंगे। हार्ड वर्क हो जाएगा, वर्क कैसा है? हार्ड हो जाएगा, हमें हार्ड वर्क। वर्क आपका वर्क आप क्रिया भी सिंगुलर होगी, इज का प्रयोग कर देंगे, निगेटिव सेंटेंस से नॉट भी लगा देंगे, फिर हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे। बीइंग का प्रयोग करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे केवल अर्थ था काम करना, अब यहाँ पे केवल है काम, तो इसका मतलब करने के लिए हम अलग से लगाएंगे, तो हो जाएगा डू, और डू को हम बदल देंगे थर्ड फॉर्म में, क्या हो जाएगा? डन। हार्ड वर्क इज नॉट बीइंग डन। डन के बाद बाय का प्रयोग करके सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट आपका मोहन है, उसको उसी तरीके से रखेंगे, हो जाएगा हार्ड वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय मोहन। जैसे मोहन कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, कड़ी मेहनत मोहन के द्वारा नहीं किया जा रहा, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है, और इसे आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे और फिर कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।